सज्जन साहिबानों के सामने मैक्स कैसेट कंपनी की तरफ से पेश है किस्सा स्याही लकड़ीहारा। जोधपुर रियासत के अंदर राजा जोधानाथ राज करते थे। उनकी एक बहुत ही शील स्वभाव की, धर्म को जानने वाली उनकी धर्म पत्नी थी, जिसका नाम था रानी रूपाणी। एक दिन महल के अंदर राजा और रानी दोनों सो रहे, रात के समय एक बहुत ही भयानक आवाज जंगल से आई और राजा एकदम उठकर बैठ गया। रानी भी एकदम से उठी। अब वो आवाज सुनकर तो राजा कहने लग गया कि रानी, ये आवाज किस चीज की थी? तो रानी कहने लगी कि महाराज, ये तो शेरनी की आवाज थी। तो राजा कहने लगा कि नहीं, ये शेर की आवाज थी। इस बात को लेकर राजा और रानी दोनों की बहस लग जाती है और बहस यहां तक पहुंची कि राजा कहने लग गया कि अगर शेर की आवाज होगी तो मैं 12 साल दसोटे में जाऊंगा, अगर शेरनी की आवाज होगी तो तेरे को 12 साल दसोटे में जाना पड़ेगा। शर्त लग जाती है और ये कह के कि सुबह पूछेंगे दरबान से, हलकारे से, कि भाई रात को किस चीज की आवाज थी। तो राजा सो जाता है, लेकिन रानी की आंख नहीं लगती। रानी उठ के उसी वक्त और जो बाहर पहरेदार खड़ा था उससे पूछने लगी कि तूने सुनी ये आवाज किस चीज की थी? कहने लग गया कि हाँ महारानी, कि किस चीज की आवाज थी? कि एक शेरनी की आवाज थी। बहुत खुशी हुई रानी रूपाणी अपनी जीत को देख के। लेकिन अपने आराम से तक जाते जाते मन में ये ख्याल आया कि अगर राजा 12 साल दसोटे में चला गया तो इस प्रजा को कौन संभालेगा, इस राज को कौन संभालेगा? तो दरबान को ये कह देती है रानी रूपाणी के सुबह अगर राजा पूछे तो ये कह देना कि ये आवाज किसी शेरनी की नहीं थी, शेर की आवाज थी, तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ेगा। कहना ठीक है महारानी। इतनी कहकर रानी भी सो जाती है। सुबह उठ के राजा जब दरबान से पूछता है कि भाई ये आवाज रात को आई थी किस चीज की थी, तो कहने लग गया कि महाराज, वो तो एक शेर की आवाज थी। इस तरह राजा की जीत हुई और रानी हार गई। लेकिन रानी जब दसोटे में चली तो उस वक्त वो गर्भवती थी और जंगल में जाकर एक साधु की कुटी पर रहने लग जाती है। लेकिन 5-4 महीने के बाद साधु की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवासी हो जाते हैं साधु जी। अब रानी रूपाणी 3-4 दिन बेचारी भूखी प्यासी रही, लेकिन पेट की आग ने नहीं रहने दिया। अब वो लकड़ी तोड़ती है और क्या वाक्का बनता है भला? आर सिर पे भरोटा तर लिया चली रूपाणी नार आग बुरी पेट की हो से करी होनी ने बारा काटे ला।
दर्द लागेरी सीने के मा दर्द लागेरी सीने के मा दर्द वो मर्द जड़ा निस्तर लिया करे बहु ने दिया बनो बास पति ने आप दिया बनो बास सांसे सबरी का भर लिया वा रोई जार बेजार बात बड़े अलसे समय व्यतीत होता रहा। अब लकड़ी काटे और माधो प्रयास्त में ले जाके रानी रूपाणी बेच दे। इसी बीच में लड़का हो जाता है रानी रूपाणी के और वो बेचारी उस लड़के को भी अपनी गोद में ले लकड़ी तोड़े सिर पर धरे और रोजाना माधोपुर में ले जाके बेचने लगी। इसी तरह जब देखा कुछ माधोपुर की औरतों ने उसको इस तरह लकड़ी ले जाते और गोद में बच्चा तो उनको कुछ दया सी आई और वो रूपाणी से पूछने लगी कि भाने एक बात बता तू रोजाना सिर पर भरोटा टेक है सुबह शाम और इस बच्चे ने भी गिल्ला रखे तू कौन है। तो दुखी होके उन औरतों को रानी रूपाणी क्या कहने लगी भला ये दुख मैं बीते जिंदगी न्यू दिन रात दुखिया की हर के बुझेगी रान दो बस बात दुखिया की ए दुख में बीते जिंदगी दिन रात दुखिया की
के बुझोगी छाती में घास बोलते हरदा पाटा दास बोलते हरदा पाटा दास और दूसरा नास दुख मैं साथ दुखिया की के बुझोगी राण दो बस बात दुखिया की ना क्या है चीज में मोह से मेरे कुछ नहीं जगर में दोष है मेरे कुछ नहीं जगर में दोष है और टोटे में के ये टोटे में के इज्जत हो से बिगड़ जात दुखिया की बुझेगी राण दो बस बात दुखिया की अपने बड़ हो से बात में सब तरिया छल हो से बात में सब तरिया छल हो से दुख में निष्फल हो से करा मात दुखिया की ये बुझोगी लक्ष्मी चंद के बेदन जागी मैं धोखे में गई ठगी मैं धोखे में गई ठगी थारे संग में होण लगी थारे संग में होण लगी मुलाकात दुखिया की के बुझोगी तो इसी तरह रानी रूपाणी को 8 साल व्यतीत हो जाते हैं। 8 साल के बाद रानी रूपाणी को बुखार होया और कई दिन जब बुखार लगातार चलता रहा तो एक दिन रानी रूपाणी ने सोचा कि अब शायद तू बचेगी नहीं, उसका ये दिल मान गया तो अपने 8 साल के लड़के लकड़ीहारी को पास बैठा के और रानी रूपाणी क्या कहने लगी भला, मेरे जीने की आस नहीं से जीने की आस नहीं से मेरे लाल घना मत रोवे लाल घना मत रो लाल घना मत रो
बच्चों डेट कर न मन में मालिक के कर दे एक छन में ई बच्चों डेट कर
और इस तरह रानी रूपाणी अपने लड़के लकड़ीहारे को पास बैठा के एक तबीज बनाती है। कागज के ऊपर कुछ लिख के और तबीज सा बना के और लड़के के बाजू के बांध दिया और कहा कि बेटे मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है, जब भी तेरे पर कोई भीड़ पड़े या तेरे को जरूरत पड़े तो इसको पढ़वा के इसे भी अपने ठिकाने पर चले जाना। और ये कह के रानी रूपाणी एकदम से स्वर्ग से डर जाती है। अब बेचारा 8 साल का लकड़ीहारा बैठा बैठा और अपनी माँ को टटोलता है और क्या कहता है भला, हे मेरे दाता पता नहीं पाता, बोलती न माता बन में चांदे गहने लागा। सो गया उसे काटे जिसे पहलम हो गया, हो गया दुख भरना इब के करना, होया तेरा मरना आख्याते नीरे बहन लागा। दुनिया रोवे अपने सुख ने, दुनिया रोवे अपने सुख ने, टोक आंख खोलिए होश में हो लिए फिर बोलिए तेरा बेटा कहने लागा। आसूते मुखड़ा धोऊं, आसूते मुखड़ा धोऊं, न्यू रोऊं मन में बालक पाने में एकला बन में कौन रहने लागा। मेरे दाता
बंद काटो फांसी यम के बंद, काटो फांसी यम के बंद। लक्ष्मी चंद संतरिता कणानु मरिता, जिसमें रया करता वो मेले देन लाग्या। हारा अपनी मां को अपने गुड्डिया में सिर धरिया, अपनी मां का, और उसने प्यार से सहलाता होया और आंखें में आंसू रोता होया की कहन लाग रहा भला। भाई मानस की के पार बसावे, जब हर की माया फिर ली, के जीना एक लेका बन में बालक की मां मरी ली। मानस की के पार बसावे, जब हर की माया फिर ली, पार बसावे, जब हर की माया फिर
लाल राम ने वंश का मतलब खुला सारा। रूपाणी ने हाल खोल के लिख दिया न्यारा न्यारा। चिट्ठी बांध दी लड़के के पाछे स्वर्ग से धारा। फिर रोवण का सफर की परली सात दस दिन बेचारा लकड़ी हारा अपनी मां के गम में भूखा प्यासा रहा, लेकिन पेट की आग ने भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। जो कुछ काम उसकी मां करया करती, लकड़ी बेच के माधोपुर में अपना गुजारा करया करती, वही राही लकड़ी हारे ने पकड़ ली। जितनी बेचारे पर लकड़ी चाल उतनी लकड़ी तोड़ ले और सिर पर रखे और जाके माधोपुर में
बेच दे सेठ लोबीलाल के यहाँ, तो यहाँ पे क्या कल्पना की है कवि ने, क्या कहा भला? अरे कौन सोने मेरे जेकर ने इन लाकड़िया के ठेकर ने करी ढेरी मेरी गेरी रे व्यपत हार ने Yeah.
बांध जूड़ी सेरी दरे लिया बरोटा टूटा टूटा रे दफा दे शहर ने की बात तो यहीं रहती है। इधर से माधोपुर रियासत के अंदर राजा राय सिंह राज करते थे। उनकी दो लड़कियां थी, बड़ी का नाम बीना और छोटी का नाम बेला। वो मां उनकी थी नहीं, वो अपनी सखियों के साथ बाग के अंदर गई हुई, कोई नाचे को गावे को झूले। अब बीना एक तरफ बैठी हुई किताब पढ़ने लागरी, उस धोरे जाके और उसके साथ कैसे मसकरी करने लगी उसकी सखियां वाला। ए सारी सखियां बोले चले रंग चाकी बात करी ए बेऊ ते गोमाने परी सारी सखियां बोले चले सारी बातें करी देवती बिना बोते गोमाने परी सारी सखियां सोचते दो चढ़ी खेल पर एक नहीं मानी तेरे किसी देना और कोई वीर पानी तन चंद्र मासी सनी है जेबे में रोक दई बेहूती बिना बोते गोमाने भरी लखनी चलके हैं ये लखनी चलके हैं तेल करे बिना हंडे जबार बार के लिखण पढ़ण के धंधे के मां पिंद्र हुई हार हार के और कागज में सिर मार मार के
लागी सोक मेरी बात सुन के सखियों की। अरे एक सखी वो मानना ही नहीं थी जो उसने तो की कर रही थी बिना सुन के ने वो बात ने और के कहने लगी भला ए तेरे बिगड़ने की बात हट का मजात तू देने रात बजीते चालती ये तेरे बिगड़ने की बात हट कम जात तू देने बदमाश हंडे सासे सबरे के गालती
बाड़े में पादिया ज्ञान ना दिया तने ला दिया कुल के दाग मरने रे बाग हंड तू आगे फूस में समझे ठट्ठा हासी ए तेरी बदमाशी का लोभ जे तने डोब कच्ची गोबे टूट जा हालती